आमिर खान की जो लास्ट फिल्म थी वो थी लाल सिंह चड्ढा और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप भी हो गई। इतनी बुरी तरह हुई कि ये मूवी अपना बजट तक नहीं निकाल पाई। इसके बाद आमिर खान हमें दिखे सलाम वैंकी के अंदर, जहां इस मूवी के अंदर इनका एक केमियो था। और भाई आप यकीन नहीं करोगे, ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। चलो अब बात करते हैं फिर इनकी अपकमिंग फिल्मों के बारे में कि आखिर इन फिल्मों के बाद आमिर खान की आगे कौन कौन सी फिल्में हमें देखने को मिल सकती हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, कल मैंने शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्मों पर वीडियो बनाया था। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चेकआउट जरूर करना। लेकिन लास्ट में क्योंकि बात करेंगे इस वीडियो के अंदर आमिर खान की फिल्मों की, पहले ये वीडियो देख लो फिर उसके बाद देख लेना। तो आमिर खान की सबसे पहली फिल्म देखने को मिलेंगी कैंपियंस रीमेक। ये हॉलीवुड की फेमस मूवी है जिसका रीमेक आमिर खान करने वाले हैं, जहां इस फिल्म के लीड रोल के लिए सलमान खान को चुना जा रहा था। लेकिन सलमान खान ने अपने पांव पीछे कर लिए, उन्होंने साफ इस मूवी को करने से मना कर दिया। फिर ये ऑफर चला गया रणबीर कपूर के पास और अब इस रोल को रणबीर कपूर करने वाले हैं। कैंपियंस मूवी एक स्पेनिश मूवी है जो कि ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है। अभी ये कंफर्म नहीं बताया गया कि आमिर खान इस मूवी के अंदर होंगे या नहीं, लेकिन वही अब रिपोर्ट सामने आई है कि इस मूवी के अंदर आमिर खान भी देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद जो हमें देखने को मिलेगी वो होगी मोगुल। मोगुल एक बायोग्राफिकल ड्रामा मूवी है जिसको डायरेक्ट करेंगे सुभाष कपूर और इसके जो प्रोड्यूसर होंगे वो होंगे भूषण कुमार। इस मूवी में आमिर खान टी सीरीज के ओनर गुलशन कुमार का रोल प्ले करने वाले हैं। इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि आखिर टी सीरीज की स्थापना करने में गुलशन कुमार को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस मूवी की शूटिंग तो 2023 में ही स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप होने के बाद भूषण कुमार ने कुछ समय के लिए अपने पैर पीछे कर लिए और कहा इस मूवी के बारे में हम आगे डिसाइड करेंगे। मूवी के बारे में आगे कुछ डिसाइड नहीं हुआ, जिस वजह से इसका रिलीज डेट भी अभी सामने नहीं आया है। इसके बाद जो हमें देखने को मिलेगी वो होगी अंदाज अपना अपना 2। अगर आप लोग हमारा अपडेट वीडियो का सीरीज देखते हो तो भाई आप लोगों को मैंने पहले अपडेट वीडियो में बता दिया था कि अंदाज अपना अपना 2 का अनाउंसमेंट हो चुका है। इस फिल्म में आमिर खान और सलमान खान की जोड़ी हमें फिर से देखने को मिलेगी। वहीं डायरेक्टर की बात करें तो इसको डायरेक्ट करेंगे राजकुमार संतोषी, जिन्होंने इसके पहले पार्ट को डायरेक्ट किया था। लीड एक्टर की बात करें तो लीड एक्टर के बारे में अभी ज्यादा कुछ नहीं बताया गया, लेकिन ये कंफर्म है कि इसमें आमिर और सलमान की जोड़ी फिर से देखने को मिलेगी। और बताया जा रहा है इस मूवी की शूटिंग 2024 के एंड में स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट मूवी है 3 Idiots 2। जैसा कि मैंने पहले रिपीट कर दिया वही मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं। अगर आप लोगों ने हमारा अपडेट वीडियो का सीरीज देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा जिसके अंदर मैंने बताया था कि 3 Idiots 2 का अनाउंसमेंट हो चुका है, जिसके अंदर हमें बॉलीवुड की आइकॉनिक जोड़ी आमिर खान, आर माधवन और सरमन जोशी फिर से देखने को मिलेंगे। वहीं अगर बात करें इस मूवी के डायरेक्टर की तो डायरेक्टर होंगे राजकुमार हिरानी, जिन्होंने इसके पिछले पार्ट को डायरेक्ट किया था। रिलीज डेट की बात करें तो रिलीज डेट अभी कोई एग्जैक्ट बताया नहीं गया, लेकिन वही मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आपको 2025 में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट मूवी है 2 Brides। 2 Brides भी आमिर खान की अपकमिंग फिल्मों में से एक है और इस फिल्म को जो डायरेक्ट करेंगे वो होंगे किरण राव, जो आमिर खान की एक्स वाइफ है। ये एक सोशल कॉमेडी ड्रामा मूवी होगी जिसके लीड रोल में आपको आमिर खान देखने को मिलेंगे। बाकी एक्टर की बात करें तो अभी कुछ रिवील नहीं किया गया है, बस ये कंफर्म है कि ये फिल्म आपको आगे देखने को मिलेगी। अभी इस मूवी का कोई एग्जैक्ट रिलीज डेट भी सामने नहीं आया, लेकिन बताया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये आपको 2025 के एंड तक देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आपको देखने को मिलेगी PK2। दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है कि PK2 भी रिलीज होगी, हालांकि डायरेक्टर की तरफ से ये कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन रिपोर्ट सामने ये आ रही है कि PK2 में आपको आमिर खान और रणबीर कपूर देखने को मिलेंगे। बाकी किसी एक्टर का नाम अभी सामने नहीं आया, क्योंकि बहुत से लोगों का कहना है कि PK के एंडिंग सीन में जो हमें रणबीर कपूर का केमियो देखने को मिला था वो एक हिंट था कि PK2 भी आएगी। और अगर ये फिल्म आती भी है तो भाई हमें 2026 से पहले तो देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगी। इसके बाद हमें देखने को मिलेगी महाभारत। महाभारत एक माइथोलॉजिकल हिस्टोरिकल फिल्म होने वाली है जिसको डायरेक्ट करेंगे SS राजामौली। जैसा कि मैंने आपको मूवीज अपडेट की वीडियो में बता दिया था कि सोशल मीडिया पर SS राजामौली ने कंफर्म कर दिया है कि वो SS MB 29 के बाद महाभारत की मूवी पे काम करेंगे और महाभारत के एक नहीं दो नहीं कई सारे पार्ट्स बनने वाले हैं, जिसमें हमें आमिर खान तो देखने को मिलेंगे ही और भी कई सारे एक्टर देखने को मिलेंगे। कई एक्टरों के हिंट तो हमें पहले ही देखने को मिल चुके हैं, जैसे कि महाभारत में आपको आमिर खान, ऋतिक रोशन, प्रभास, महेश बाबू और भी कई सारे एक्टर देखने को मिलने वाले हैं। वही महाभारत के पहले पार्ट के रिलीज डेट की बात करें तो ये आपको साल 2027 में देखने को मिलेगी, क्योंकि भाई SS MB 29 से पहले इस मूवी को रिलीज बिल्कुल नहीं किया जाएगा और ना ही इस पे काम स्टार्ट होगा। दोस्तों ये तो हो गई आमिर खान की अपकमिंग फिल्मों के बारे में। अगर आप लोग शाहरुख खान के अपकमिंग फिल्मों के बारे में जानना चाहते हो तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो फटाफट जाओ जाके वॉच कर लेना। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, क्योंकि आगे भी आप लोगों को ऐसी अपकमिंग फिल्मों से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी।